हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कुछ ऐसे जगह से। अभी मैं वो पनवेल उरन नाका पे एंड टाइम हुआ है अभी 2:30। तो आज का व्लॉग मैं ऐसे बहुत दिनों से शूट करने का ट्राई कर रहा हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, तो फाइनली आज मिल गया थोड़ा टाइम। तो बोला करते हैं इस व्लॉग को शूट। टाइटल एंड थंबनेल को देख के ऑब्वियसली आप समझ गए रहेंगे। तो बेसिकली आज का व्लॉग डिपेंड है पूरी तरह से इन ग्रुप्स के ऊपर जो मैं परचेस किया था लास्ट मंथ। तो मेरा कैसा क्या रिव्यू है इसके ऊपर, कैसी फिटिंग्स है इसकी, कैसी क्वालिटी है, प्राइस वगैरह एंड क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है इसके, तो वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज। तो एज अ बिगिनर, आपको भी अगर आप एक मोटो व्लॉगर हो, आप बिगिनर है, अभी चालू करने वाले हो, तो यार आपको ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, बिकॉज इससे अलग ही लुक आता है अपने मोटो व्लॉगिंग में, एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है अपने ऑडियंस पे। क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में था नहीं, तो वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, खाली हाथ चलाते ना अपन, हाथ से उतना अच्छा दिखता नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग व्लॉग्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी प्राइस वगैरह की। तो इसका प्राइस अलग अलग है थोड़ा, तो सब जगह एक ही प्राइस नहीं है एक्चुअली। किधर किधर 200 में मिलता है, किधर 300 में मिलता है, किधर 400 भी ले लेते हैं इसका। आई डोंट नो व्हाई ऐसा अलग 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 प्राइस क्यों है, जबकि प्रो बाइकर ही है सब जगह पे। तो मेरी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले इसको अमेज़ॉन से मंगाया था, बट अमेज़ॉन से कुछ एड्रेस का इशू हो गया अमेज़ॉन का हमारे एरिया में, तो अमेज़ॉन का कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। फिर मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगा लिया, तो फ़्लिपकार्ट से आ गया, 2 दिन में मेरे घर पे डिलीवर हो गया। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि जब भी मेरे घर पर डिलीवर हुआ ना, तभी मेरे घर पर कुछ काम चल रहा था एंड उन दिनों में व्लॉग भी नहीं कर पाया था और थोड़ा बहुत ही बिजी था ना, इंस्टा पे रील्स वगैरह डाल रहा था, टोटली बिजी था मैं, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया बराबर से। और जब भी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इसको यूज़ किया तो यार मेरे को प्रॉब्लम होने लगी कि आई थिंक इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। ये जो ग्लोव्स है ना, ये मैं गलती से छोटे साइज़ के मंगा लिए, और एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं था कि इसमें साइज़ आता है। फिर जब मैं जाके वापस फ्लिपकार्ट के साइड पे देखा तो हाँ यार उधर मीडियम एक्सेल एक्स्ट्रा एक्सेल वगैरह कुछ साइज़ थी। और अभी मेरा डेट भी चला गया था रिटर्न का, तो रिटर्न भी नहीं कर पाया मैं, तो अभी बस वैसे ही चला रहा हूँ। तो इससे छोटे से मेरे को प्रॉब्लम ये हो रहा है, आईला सिग्नल लगला है कि ये अंदर से चुभ रहे, अभी यार सीट सिग्नल लग गया इधर। हाईवे पे आ गए फाइनली, तो चलो हमारे टॉपिक पे चलते हैं बिकॉज ज़्यादा रोड नहीं बचा है अभी। तो ये ग्लोव्स तो वैसे ये सब आपको रेट वेट बता दिया, 300-400 जो भी अप्रोक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे है सब साइड पे अलग अलग रेट है, मैंने 400 में मंगाया था ये। तो सबसे पहले इसके प्रॉस की बात करें तो भाई देखो ग्लोव्स मस्त एकदम, अगर आप सही मंगाते हैं ना साइज़ तो पूरे परफेक्टली फिट बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। खाली आप साइज़ मेजर करो बराबर से, साइज़ मेजर करने में आपको ऊपर दिखा दूंगा, अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा ऐसे साइज़ मेजर करने आपके पाल्म का, फिर उस हिसाब से आप मेजर ऑर्डर कर रहे हो वैसे जैसे रहेगा उधर लिखा रहता है सब साइज़। एंड दूसरी बात बोले तो थोड़ा बहुत इसमें है ना, जो अपन को ऊपर की उंगली है ना, ये उंगली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर सब उंगली का शेप साइज सही नहीं है, पर ठीक है ये रेट में आपको इतने अच्छे ग्लोव्स मिले ना, और क्या चाहिए गाइस। देखो इसमें प्रोटेक्शन बहुत है, इधर नकल पे प्रोटेक्शन है, नीचे पाम पे प्रोटेक्शन है, फिर उंगली सब प्रोटेक्शन है, और ये नीचे का जो लेदर का ये जो फाइबर है ना, ये कपड़ा जो है ना, ये भी इसमें डॉट डॉट दिए, तो अगर आप बाई चांस किधर गिरते हैं तो आपका पाम प्रोटेक्ट रहेगा पूरा, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट आपका इधर ही आएगा, तो इधर एकदम हार्ड प्लास्टिक दिया है ये लोग ने, तो सही है, मतलब उधर आपका अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाएगा।
फिर ऐसी क्वालिटी भी 300 के हिसाब से सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा घटिया प्रोडक्ट देके रखा है, ऐसा कुछ नहीं, सही प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं हम लोग इसको। एंड अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसके अभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने लगे हैं। ओरिजिनल और डुप्लीकेट ऐसे सामने सामने आप रखेंगे ना तो बहुत रेयरली आप पहचान पाएंगे, तो उससे क्या होता है अगर हम लोग डुप्लीकेट और ओरिजिनल सामने सामने रखेंगे ना तो मुश्किल है कि आप इनको पहचान लें। तो मुझे जो कुछ मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ओरिजिनल है, ये मेरा वाला ओरिजिनल है, तो इसमें देखो प्रो बाइकर, फिर ये प्रो बाइकर नाम है, इसमें रेड और सिल्वर यूज़ हुआ है, तो डुप्लीकेट में खाली सिल्वर, प्रो बाइकर दोनों में सिल्वर यूज़ हुआ है। और तो तीसरी बात करें तो इसमें है ना ये दिया है वेंटिलेशन के लिए, हवा पास होने के लिए थोड़ा जगह दिया है, तो उसमें नहीं रहता है वो, तो ये भी सही है, एक उंगली पे आपको हवा आने के लिए थोड़ी बहुत। और एक कि ये जो नकल उंगली के ऊपर देखो जिधर वेंटिलेशन का दिया है उसके ऊपर देखो एक के जेड कुछ लिखा है, तो ये उसमें नहीं रहता है, जो डुप्लीकेट रहता है उसमें नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। अगर आपके पास गलती से डुप्लीकेट भी आ जाता है ना तो आप सेलर को रिटर्न कर दो, हो जाएगा रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये मंगाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से मंगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी सही है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को तो लगता है इससे अच्छा कोई और ग्लोव नहीं हो सकते। अगर क्या ही मिलता है यार 300-400 रुपये में, अच्छा सा ग्रिप मिलता है आपको, मस्त एकदम, क्या ही ग्रिप मिलता है, ब्रेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लचिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप मंगवा बिंदास, कोई टेंशन मत लो। और आज का व्लॉग लगते यही तक ही, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।